Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about MSN MD program of Shri B.M. Patil Medical College, Vijaipura. But before getting into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our YouTube channel. So, the college have established in 1991, mein, private institute hai, jo affiliated hai BLDE University. Se. Agar accreditation and ranking ki baat karein, to it is approved by NCI and ranked 50 by NIRF in 2021. Moving on to courses and fee structure. तो जो courses और fee structure ये offer करता है MS और MD में वो काफी सारे specialization में offer करता है जैसे कि human anatomy, human physiology, biochemistry, then pathology, microbiology, pharmacology, forensic medicine, community medicine, general medicine, pediatrics, dermatology, etc. Complete program की list जो है आप screen पे देख सकते हैं और pause करके पढ़ सकते हैं कि कौन-कौन सी specialization में ये MS और MD offer करता है. अगर seats की बात करें तो हर specialization में different seats हैं जैसे कि human anatomy और human physiology में 4 seats हैं, then biochemistry में 1 seat है, pathology में 13 seats हैं, then microbiology, pharmacology और forensic science में 2 seats हैं, then community medicine में 6 seats हैं, इसके अलावा general medicine में 21 seats हैं, pediatrics में 10 seats हैं, dermatology में 5 seats हैं, then general surgery और orthopedics में 12 seats हैं, इसके अलावा complete seat matrix है specialization का आप screen पे देख सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं इसकी फी स्ट्रक्चर के बारे में. तो फी स्ट्रक्चर भी जो है स्पेशलाइजेशन का वो अलग अलग होता है. जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमी की तो उसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 10,000 रुपीज. इसके अलावा फिजियोलॉजी की भी 10,000 रुपीज रहेगी. बायोकेमिस्ट्री की जो आपकी फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 10,000 रुपीज. पैथोलॉजी की 6,50,000 रुपीज. माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन की अगेन 10,000 रुपीज रहेगी. इसके बाद अगर हम देखें जनरल मेडिसिन की तो उसकी फीस जो है वो 34 लाख है. पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, यहाँ तक सारी फीस जो है वो 34 लाख है. इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी स्पेशलाइजेशंस की जैसे कि एनेस्थीसियोलॉजी, ईएनटी एंड ऑप्थल्मोलॉजी की तो उसकी फीस 20 लाख रुपीज है. ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की 34 लाख, रेडियोलॉजी की 35 लाख, साइकाइट्री, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन की 20 लाख रुपीज फीस है एंड जीरियाट्रिक्स की 10 लाख फीस है. अगर पीजी की टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल जो है 146 सीट्स हैं जिसमें से 124 सीट्स जो है वो आपकी ऑल इंडिया कोटे में आती है एंड जो 22 सीट्स हैं वो आपकी एनआरआई कोटे में आती है. इसके अलावा हम बात करते हैं कट ऑफ की. तो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगी यह 2021 का जनरल कैटेगरी AIQ कोटा के लिए जिससे आपको एक रफ आइडिया पड़ जाए कि आपका जो अभी स्कोर है उस हिसाब से आपकी क्या चांसेस है कॉलेज में एडमिशन लेने की. तो एनेस्थीसियोलॉजी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 50,106, देन कम्युनिटी मेडिसिन की 1,15,770, डर्मेटोलॉजी, वेनोलॉजी, लेप्रोसी की 14,689, इमरजेंसी मेडिसिन की 29,580, फॉरेंसिक मेडिसिन की 52,280, जनरल मेडिसिन की 27,733, जीरियाट्रिक्स की 47,337 और हर स्पेशलाइजेशन की कट ऑफ रैंक जो है क्लोजिंग रैंक भी और ओपनिंग रैंक जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. मैंने आपको सिर्फ क्लोजिंग रैंक बताई है पर ओपनिंग रैंक भी मैंने मेंशन की है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं पॉज करके. तो आज मैंने आपको इस वीडियो में श्री बीएम पाटिल मेडिकल कॉलेज विजयपुरा के एमएस और एमडी प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है. वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.